पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान आया है और उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह का लोकसभा में आना पक्का है, दिल्ली आएंगे तो कैबिनेट मंत्री बनेंगे। रामदास अठावले ने शिवराज सिंह चौहान को लेकर कहा कि लोकसभा चुनाव शिवराज सिंह का लड़ना पक्का है और अगर वो दिल्ली आएंगे तो जाहिर सी बात है कैबिनेट मंत्री भी बनेंगे। इससे पहले दिल्ली जाने के बयान को लेकर कई बार सुर्खियों में रह चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, लेकिन अब ये देखना होगा कि वाकई में क्या लोकसभा चुनाव वो लड़ेंगे और लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे। हालांकि ये जो ऑफर दिखाई दे रहा है कैबिनेट मंत्री बनने का, इसको क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? रामदास अठावले का ये बयान कई मायनों में खास माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री हैं रामदास अठावले और उन्होंने कहा कि लोकसभा में आना पक्का है शिवराज सिंह चौहान का, दिल्ली आएंगे तो कैबिनेट मंत्री भी बनेंगे। तो वही कांग्रेस विधायक दल की बैठक 6 फरवरी को होने जा रही है। भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि विधायक दल की बैठक में सबकी सहमति से घेराव पर निर्णय लिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं के निदान के लिए जल्द ही जनता दरबार की शुरुआत की जाएगी और बहुत जल्द ही इसकी तारीख, दिन और समय तय किया जाएगा। देखिए, 6 तारीख को हमारी विधायक दल की बैठक और चूंकि पार्टी में सभी लोग मिलकर निर्णय लेते हैं तो विधानसभा में तो अंदर घेरेंगे, विधानसभा के बाहर भी आवश्यकता रही तो वो भी घेरेंगे। स्वाभाविक है कि सरकार सुनना नहीं चाहती आम व्यक्ति की समस्याएं, तो हमारा फर्ज है विपक्ष के नाते तो सप्ताह में मैं 2 दिन चाहूंगा कि भोपाल स्तर पर सभी आम प्रदेश की जनता से मिलूं और इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। समय तय कर दिया है, वार तय करना है तो वो